देश के कई राज्यों में इन दिनों एक्टिव मानसून की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है, तो मध्य प्रदेश में भी जल प्रलय जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश से बुरा हाल है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश के मनाली में बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं। वहीं मनाली में ब्रिज के साथ दो लोगों के बहने की खबर है। मध्य प्रदेश में छतरपुर से लेकर राजगढ़ तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। रायसेन में पुल धंसने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं पानी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है, तो कहीं सैलाब लोगों के आशियाने डुबो रहा है। कई जिलों में जल प्रलय की स्थिति है। इसे देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। 19 अगस्त तक मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही नर्मदा नदी भी उफान पर है। बाढ़ को लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है। निचले इलाकों में आपात स्थिति से निपटने के लिए भी NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। उड़ीसा में एक बार फिर बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ चारों तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। सड़क पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति खड़ी हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में उज नदी उफान के कारण किनारे पर बने लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक आधा दर्जन घर पानी में बह चुके हैं। कटान लगातार जारी होने की वजह से कई और घरों पर संकट मंडराने लगा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है, फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। फिलहाल बारिश से लोगों को राहत मिलने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने 16 अगस्त 2022 को भी ज़्यादातर राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के आसार हैं। गुजरात में भी आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बिहार के कई जिलों में भी आज बारिश होने की उम्मीद है।